गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास फाइव इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट थ्री रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। बच्चों, फुटप्रिंट किसने डिस्कवर करे? रॉबिन्सन क्रूजो। देखते हैं हम। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। एक दिन जब मैं बोट के पास जा रहा था तो मैं सरप्राइज हुआ। क्या देख के सरप्राइज हुआ? एक आदमी के फुटप्रिंट थे वहाँ सैंड पे, मिट्टी पे। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था मेरे चारों तरफ। आई कुड नॉट कुड नाइदर हियर, मैंने ना किसी को वहाँ सुना कि कोई है, ना मैंने वहाँ किसी को देखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊपर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं शोर में गया, उसके नीचे गया, उसके ऊपर गया, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे वहाँ और कोई फुटप्रिंट नहीं मिले, बस वही एक फुटप्रिंट थे। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, मैं वहाँ गया, मैं देखने ये गया था कि वहाँ पे और कोई भी फुटप्रिंट्स हैं। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और मैं बताना चाह रहा था कि ये मेरा एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, लेकिन मेरे से गलती नहीं हुई थी, वो सच में ही किसी के फुटप्रिंट्स थे। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ द फुट आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। टोज मतलब उंगलियां, हील मतलब फुट की जो हील होती है, वो फुट का एक एक पार्ट था, मैंने इमेजिन नहीं करी थी। मैं सोच रहा हूँ कि ये आए कहाँ से। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था कि कैसे आए, लेकिन मैं कन्फ्यूज पे कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लास्ट में मैं घर आया भाग के। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप, मैं मेरे पीछे बार बार दो तीन स्टेप चलने के बाद मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बश एंड ट्री टू बी अ मैन, मुझे ऐसा लग रहा था कि झाड़ियाँ और पेड़ सब कि ये कोई आदमी है। वेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल, मैं मेरी गुफा में आया जिसे मैं कैसल बोलता था। आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर भाग गया। एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इट बाय द होल इन द, देखिए स्टूडेंट, आई एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे बिल्कुल याद नहीं है वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल, कि मैंने लेडर सीढ़ियों का यूज़ किया था या मैं उसके जो होल हो रहा था उससे अंदर गया। विच आई कॉल द डोर, जिसे मैं डोर कहता हूँ, ठीक है। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, आई रेन फॉर कवर फास्टर देन, मैं इतनी जोर से भागा एक जानवर से भी जोर से। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया नहीं था। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ जो मैंने देखा, फुटप्रिंट जो मैंने देखे, उतना ही ज़्यादा मुझे डर लगता है। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेज ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। देखिए बच्चों, आई थॉट इट कुड बी, मुझे लगता है ये कोई जंगली इंसान होगा जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है, स्मॉल बोट से, जिनका कोई रहने का ठिकाना नहीं होता। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, लकीली मैं वहाँ नहीं था शोर पे, किनारे पे,
उस टाइम पे, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बॉट, बट इफ़ ही हैड सीन माई बॉट, If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने बोट देखी होगी तो उसे ज़रूर पता चला होगा कि यहाँ पे आइसलैंड पे कोई ना कोई रहता है. And would soon return with others to kill and eat me. बच्चों वो सोच रहा था कि अगर उसे ऐसा लगेगा तो वो वापस आएगा और मुझे और लोगों के साथ और मुझे मार देंगे और वो खा जाएंगे. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. मैं वहाँ पे बहुत दिनों तक रहा और मैं प्रे करता रहा, मैं डर के वहाँ पे रहा, मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रे करता था. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. ऐसा करने से बच्चों मुझे देखो उसने बोला कि ऐसा करने से मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा और मैं वापस से इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर निकल गया. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. बच्चों अभी भी जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था बार बार क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा था. हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर टू और थ्री डेज एंड सो नथिंग आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर. जैसे कि बच्चों दो तीन दिन निकल गए मैंने देखा मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं थोड़ा बोल्ड हुआ, मुझे थोड़ा सा खुद पे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ कुछ भी नहीं है. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वन अगेन. और मैंने सोचा कि मैं वापस से शोर के अंदर जाऊँगा और फुटप्रिंट्स को एग्जामिन करूँगा वापस से. आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुटमार्क. मैं उस फुटप्रिंट को मैं खुद अपने फुटमार्क से मेज़र करूँगा, नापूँगा. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे मैं फुटप्रिंट के क्लोज गया आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट. मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेरा फुटप्रिंट नहीं था बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम. मैं बहुत समय से बीच के इस पार्ट पे नहीं आया था. सेकेंडली एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इज सीम लार्जर देन माई ओन. सेकेंडली ये कि जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट के पास मेरा पैर रखा मैंने देखा कि वो मेरे पैर से काफ़ी बड़ा था. माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. मैं वापस से घर आ गया भाग के, मुझे वापस ये लगा कि वहाँ कोई है. द आइसलैंड वर्ड इनहैबिटेड, वो जो आइसलैंड था वो इनहैबिटेड था, ऑक्यूपाइड. ठीक है बच्चों, यहाँ हमने देखिए चैप्टर पढ़ा, सभी को समझ में आया कि यहाँ पे जो रॉबिन्सन क्रूज़र था डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, फुटप्रिंट्स बच्चों उसने देख के कैसे वो डर गया, उसके एग्जामिन के लिए वो कैसे कैसे गया लेकिन फिर भी वो पता नहीं लगा पाया कि वो फुटप्रिंट्स किसके थे. स्टूडेंट आप सभी को स्टोरी समझ में आई? बच्चों आप सभी वीडियो को देखिए और स्टोरी को समझिए. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? देखिए हम यहाँ लिखेंगे the footprint was exactly the print of a foot. The footprint was exactly the print of a foot with toe, heel and every part of the foot. बच्चों देखिए रॉबिन्सन क्रूज को क्या लगा, क्यों लगा कि ये फुटप्रिंट ही है, क्योंकि बच्चों वहाँ पे एवरी पार्ट था फुट का, toe, heels. ठीक है. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and the tree? बच्चों उसको क्यों डर लगा रहा था, बिकॉज ही मिस्टुक एवरी बश एंड ट्री एज अ मैन, उसे मैन जैसे लग रहे थे एवरी ट्री एंड बश. व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट, बच्चों उसको जो फुटप्रिंट दिखे तो वो क्यों प्रे कर रहा था.
गॉट वेरी स्केयर्ड, बच्चों से बहुत डर लगा, ठीक है, एंड स्टार्टेड प्रेइंग प्रेइंग फॉर हिज प्रोटेक्शन, और वो अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रे करने लगा। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, उसे डर लग रहा था, ठीक है बच्चों। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, ही थॉट स्वेजेज हैड केम फ्रॉम द मेनलैंड, हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, बच्चों इसका होगा बी, ही थॉट स्वेजेज हैड केम फ्रॉम द मेन लैंड। Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? He had not come to this part of the beach in a long time. वो बहुत समय से वहाँ पे नहीं गया था उस बीच के उस पार्ट पे। Where was Robinson Crusoe? Alone on a island. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? बच्चों आपको कैसा लगेगा अगर आप देखते हो कि आपके मेन डोर पे बाहर फुटप्रिंट्स है? लाइक आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड माई फ्रंट डोर, आई वुड हैव टोल्ड माई एल्डर सिस्टर अबाउट इट एंड देन स्टार्टेड फाइंडिंग सम क्लूज अबाउट इट। इफ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट द डोर, व्हाट वुड यू डू? बच्चों क्या करोगे? आई वुड फर्स्ट आस्क हु इज ऑन द डोर and then only will open it. Okay students, सभी को पूछना चाहिए कौन है डोर पे, तभी आपको अपना गेट खोलना चाहिए। The word in the sentence is a jumble, write them in order, one is done for you. बच्चों देखिए ये sentence है, इसको jumbled करके लिखा हुआ, आपको सही sentence बनाना है, ठीक है। देखिए was island the inhabited, तो यहाँ लिखेंगे the island was inhabited. Next है this footprint belonged to someone. I looked around me. I went towards the large footprint. Now I was afraid. Fill in the blanks with the correct words. I was frightened but curious. मुझे डर लगा था लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा था। I decided to go to the beach. So I went along the water edge. I ran as fast as I could because I was frightened. I was very tired and confused. Write a story on strange footprints.
बच्चों देखिए, आप सभी को एक स्टोरी लिखनी है। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वॉज इट, डिड यू सी देम एट नाइट, व्हाट हैपन व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट, व्हाट डिड यू सी, व्हाट हैपन देन। आपको बच्चों सभी को ये कुछ सेंटेंसेस है, इनको यूज़ करके आपको अपनी एक स्टोरी यहाँ पे रेडी करनी है सभी को। यूजिंग द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो जॉइन द सेंटेंसेस इन द कॉलम। बच्चों आप सभी को कॉलम ए और बी को ज्वाइन करना है। देखिए, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। शी वॉर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे एंड वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। ही मिस द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। आई रॉट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सभी को आया समझ में? यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे इनको सॉल्व करके लिख दिया है। लुक एट द फुट प्रिंट शोन हेयर, दिस इज द फुट प्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वॉज। बच्चों फर्स्ट मैन कौन था जो कि मून पे गया था? उसका नाम था नील आर्म स्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। यूज द फॉलोइंग क्लूज, अ टू लेटर वर्ड बिगिन विथ बी, बी ई, अ थ्री लेटर वर्ड बिगिन विथ सी, कैट, अ फोर लेटर वर्ड बिगिन विथ डी, डॉल, फाइव लेटर वर्ड बिगिन विथ ई, ईगल, सिक्स लेटर वर्ड बिगिन विथ एफ, फेशियल। ओके स्टूडेंट, हमने हमारे यहाँ पिरामिड कंप्लीट कर लिया। लेट्स वर्क इन पेयर, हैव अ कन्वर्जेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन अ पिक्चर बिलो, यू कैन स्टार्ट अस। हंटर वन, लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड, देखिए फुटप्रिंट्स मड में जो फुटप्रिंट्स है उन्हें देखो। सेकेंड बोलता है, दिस डज नॉट लुक लाइक ह्यूमन फुटप्रिंट्स, ये इंसानों के जैसे फुटप्रिंट्स नहीं है। फिर हंटर फर्स्ट क्या कहता है, ऑफ कोर्स दिस लुक्स लाइक अ जेंट एलिफेंट फुटप्रिंट्स, ये किसी बड़े हाथी के फुटप्रिंट्स हैं। हंटर टू बोलता है, बट हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, देयर इज नॉट अ सिंगल एलिफेंट इन दिस जंगल, यहाँ तो कोई एक सिंगल एलिफेंट भी नहीं है जंगल में। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। सभी को समझ में आया? बच्चों देखिए, हमने हमारी स्टोरी कंप्लीट करी, हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। बच्चों आप सभी हमारे वीडियोस को देखिए और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और स्टोरी समझिए। उम्मीद करती हूँ हम सभी को अच्छा लगा होगा। और बच्चों हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।